नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही भारी बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से तमाम सड़कें बंद हैं, तो वहीं जिले में सभी नदियां भी पूरे उफान पर बह रही है। जानकारी के मुताबिक पिथौरागढ़ में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर बरस रही है। भारी बारिश के बाद जहां जिले से बहने वाली काली, गोरी, धौली और सरयू नदियां भी पूरे उफान पर है। पिथौरागढ़ जिले में थल मुनस्यारी सड़क के साथ ही 16 ग्रामीण सड़कें पूरी तरह बंद पड़ी है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट गया है। ऐसे में ग्रामीण अपनी जान हथेली में रखकर नदी और नालों को पार कर आवाजाही करने को मजबूर है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से सभी ग्रामीण संपर्क मार्गों को जल्द से जल्द ठीक करने के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने की मांग की है। देखिए, जो लगातार जो भारी बारिश हो रही है, उससे जो ग्रामीण जो सड़कें हैं वो सारी बंद पड़ी हैं। देवलथल कनाली चिना, स्वाली ग्रसे पटा, आपका थल मोहनी, मुनस्यारी, धारतुला, जगह जगह सड़कें बंद हैं और जो पैदल मार्ग हैं वो बंद हैं। हमारी जो है जिला प्रशासन से मांग है कि शीघ्र इन सड़कों को ठीक किया जाए। लोग जो है जो अस्त व्यस्त हो रखे हैं, जो अपने घर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनको पहुँचाने के लिए जो है उचित व्यवस्था की जाए। आपको बता दें, जिले के धारचूला, मुनस्यारी और बंगापानी तहसील बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है। इन इलाकों में लगातार भूस्खलन से जहां आबादी वाले इलाकों में खतरा उत्पन्न हो गया है, तो वहीं सड़कें भी लगातार बंद हो रही है। हालांकि प्रशासन के साथ ही सेना और बीआरओ द्वारा भी लगातार सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ के अपर जिलाधिकारी ने बताया कि भारी बारिश को देखते हुए जिले के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट रखा गया है। साथ ही सड़कों को खोलने का काम भी लगातार जारी है, ताकि ग्रामीण इलाकों का संपर्क बहाल किया जा सके। उसके तहत हमारे द्वारा सभी क्षेत्र में अलर्ट है। जलजीवी मुनस्यारी रोड खुला है, हमारा नेशनल हाईवे भी खुला है और स्टेट हाईवे भी सारा खुला है। ग्रामीण सड़कें 15 बंद है, जो संभवतः कुछ आज खुल जाएगी और कुछ कल तक खुल जाएगी, और आज शाम तक जो हमारा अलर्ट दिया गया है उसमें सभी लोग अलर्ट है।